किस्मत समझती हूँ कि मैं उनके बर्थडे पे यहाँ पर उनके साथ में वक्त बिताने के लिए आई हूँ. एंड आई थिंक अनूप जी इज़ वन ऑफ दोज वेरी ग्रेशियस पीपल जो कि अपने से इतने उम्र में जूनियर और वो तो मतलब अनूप जी इज़ वन ऑफ दोज पाइनियर्स इन द इंडस्ट्री जिन्हें सुन सुन के मैं बड़ी हुई हूँ. तो अगर उन्होंने मैंने उनसे पूछा सर मैं आपसे पूछ सकती हूँ हाउ यंग यू आर टुडे, उन्होंने कहा आई एम ओनली 61. ऐसे तो आप नंबर्स घुमा दीजिए आप 16 ही हैं बीवी एट हार्ट. एंड दैट इज़ हाउ वाइब्रेंट ही इज़. वो अपने से छोटों को इतना आशीर्वाद देते हैं, इतना प्यार देते हैं. तो उन्होंने मुझे हमेशा से बहुत ही प्यार दिया है. एंड आई फील एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर वट एवर ही डज. ग्रेट हेल्थ, ग्रेट हैप्पीनेस. एंड उनके लिए तो दुआ क्या मांगू, मैं तो उनसे दुआएं मांग सकती हूँ. सर आपको कभी मौका मिला उनके साथ काम करने का या फिर उनके साथ? हाँ, उनके साथ कभी आपको मौका मिला काम करने का? मुझे उनके साथ में कॉन्सर्ट्स पे कई बार ऐसा हुआ है कि हम एक ही कॉन्सर्ट पे एक साथ इनवाइटेड हैं, परफॉर्म कर रहे हैं. और वैसे उनके साथ में काफ़ी मुलाकात है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि उनके साथ में कभी किसी दिन रिकॉर्ड करने का भी मौका मिलेगा. अगर आपके अंदाज में उनको अगर विश करना हो तो आप किस तरह से करेंगे गाना? मैं तो प्यार से उनके लिए हैप्पी बर्थडे ही गा दूँगी. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday Anup ji. और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहूँगा, कौन से करूँ? अभी आपने जो है सैटरडे किया था जी, तो आगे कौन से गाने का करवा? अभी हम्पी शर्मा की दुल्हनिया में सैटरडे सैटरडे लोगों ने बहुत पसंद किया है. और देंगर देंगर उसी फिल्म में एक और गाना था, उसके पहले इसकी उसकी टू स्टेट्स में आया था. और फिल्मों के अलावा एक इंडिपेंडेंट म्यूज़िक सिंगल मैं लॉन्च कर रही हूँ जो कि जी म्यूज़िक कंपनी से लॉन्च हो रहा है 31 तारीख से. आप उसे सुन पाएंगे. गाने का नाम है कोलकाता डायरीज़. एक हिंदी और दो लाइन उसमें बांग्ला मिक्स्ड हैं बिकॉज मैं पिछले कुछ दो तीन सालों से बहुत सारा बंगाली भी गा रही हूँ. तो इट्स अ थैंक यू टू दोज पीपल एंड ऑल द म्यूजिक लिसनर्स हैव गिवन मी अ लॉट ऑफ लव. एंड इट्स कॉल्ड कोलकाता डायरीज. आप जो झलक दिखला जा में भी आपका जलवा दिखाने वाले, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे थोड़ा सा? मैं झलक दिखला जा के एक एपिसोड में इंट्रोडक्शन में आपको नज़र आई, उसके बाद में आई एंड अप हैविंग अ वेरी बैड इंजरी. मैं गिर गई और पैर मेरा अटका इस तरह से कि टेक्निकल रिहर्सल्स पर जिसके अगले दिन शूट होता है जब आप कॉस्ट्यूम पहन के प्रॉपरली कैमरा मार्किंग वगैरह के लिए प्रैक्टिस करते हैं, तो उस दौरान आई एंड अप हर्टिंग माई टेल बोन. अब मैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स परफॉर्म अगर मैं स्टेज पे भी गाना गाना चाहती हूँ तो मैं आई कैन ओनली स्टैंड एंड सिंग. आई कॉन्ट मूव अराउंड मच, आई कॉन्ट ट्रैवल मच. सो ये थोड़ा प्रॉब्लम है. बट या सो आई कॉन्ट डांस डांस रियली. बट इंशाल्लाह मुझे हील जल्दी से हो जाना है सो आई कैन देन लेटर ऑन डांस.